संबल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 5 ई रिक्शा सहित 2 अवैध तमंचा बरामद। जनपद संबल के थाना बहजोई क्षेत्र से बीते 15 सितंबर को ई रिक्शा चालक को बुक करके ले जाने के बाद पवासा के करीब ई रिक्शा चालक को नशीला पदार्थ देकर ई रिक्शा चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें बहजोई थाना पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद ई रिक्शा चोरी करने वाले 2 सदस्यों को साकिन शोभापुर की जंगल से गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आरोपी समीर और अशफाक पकड़े गए हैं और दोनों आरोपियों से 5 ई रिक्शा, 2 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले का आज बहजोई थाने पर चंदौसी सीओ के द्वारा अनावरण किया गया, जिसमें सीओ चंदौसी ने बताया कि यह लोग आसपास के जनपद बुलंदशहर, हापुर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा में ई रिक्शा चालकों को बुक करने के बाद अपना निशाना बनाते हैं। बहजोई थाना पुलिस ने इनको ई रिक्शा बेचने जाते समय गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अभियान चल रहा है, उसके तहत दिनांक 15/9/2020 को कुछ लोग ई रिक्शा इस्लामनगर चौराहे से बुक करा कर ले गए थे और पवासा क्षेत्र में ले आकर उसको कोल्डिंग पिलाए और कोल्डिंग में लोग जहरी नशीली वस्तु डालकर उसमें पिला देते हैं, जिससे ये चालक भी नशे में हो गया और नशे का जब असर हुआ तो ये नींद में हो गया। उसके बाद ये दोनों जो अभियुक्त हैं ये उनके ई रिक्शा को लेके वहाँ से चले गए। इस तरह ये इन्होंने कई वारदातें की हैं, अलग अलग जगहों से इन्होंने ई रिक्शा चुराया है और जो अभी ई रिक्शा देखने पर यह लग रहा है कि सब ई रिक्शा नए हैं और ये ई रिक्शा ले करके ये बेच देते हैं, जिससे इनको आर्थिक लाभ होता है। थाना बहजोई की पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी, सुरागसी करते करते इनको आज पकड़ लिया गया है। ये 2 व्यक्ति हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और विधिक कार्रवाई की जा रही है।